हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं एंड हमारा आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है पांच ऐसे पॉइंट्स जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड ये पांच क्वालिटीज़ जो है वो आपके बहुत काम आते हैं, ना कि सिर्फ लव लाइफ में लड़कियों को इम्प्रेस करने में या लड़के को इम्प्रेस करने में, बल्कि आपके करियर में भी काफ़ी काम आती है। बिकॉज जो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं हर सेक्टर में। सो अट्रैक्टिव अगर आप होते हो और अगर आप ये पांच क्वालिटीज़ जो हम आज बताने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, उन क्वालिटीज़ को अगर आप अपने अंदर थोड़ा डेवलप करते हो, थोड़ा ज़्यादा एनहेंस करते हो, तो आपको लाइक के हर सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलती रहेगी एंड जो आपको सक्सेस के तरफ और ज़्यादा आगे लेके जाएगी। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आइज जो है वो है काइंडनेस। लोगों को काइंड लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप काइंड हो, अगर आप किसी भी जानवर, किसी भी इंसान जिसकी ज़रूरत आपको है या किसी भी हेल्प की इसको ज़रूरत है, ना आप हेल्प करते हो, जितना आपसे हो सके उतना आप हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो ये जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग कि हाँ देखो, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, काइंड होना और उसका शो ऑफ करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एंड लोगों को ये फ़र्क दिखता है कभी ना कभी, आप कितना ही शो ऑफ करने का कोशिश क्यों ना करो। सो शो ऑफ मत करो गाइस, कोशिश करो कि सच्ची में काइंड बनने का, दिल से लोगों को हेल्प करो जितना आपसे हो सके, हद से ज़्यादा नहीं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जो कि है यूनिकनेस। तो हर इंसान की जो है कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस ज़रूर होती है, कुछ ऐसे उनके गुण होते हैं जो बाकी सारे लोगों से उनको अलग बनाते हैं। इतने सारे दुनिया में लोग होते हुए भी हर एक इंसान की कोई ना कोई एक अलग ख़ास बात ज़रूर होती है। एंड कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि दूसरे लोग को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनको जैसा टाइप का मतलब पसंद है, वो लोग जैसे हैं वैसे बनने की कोशिश में हम अपने खूबियों को छुपाने का बहुत कोशिश करते हैं, अपनी जो यूनिकनेस है उसको छुपाने का कोशिश करते हैं। तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है, ना हम घर का रह जाते हैं ना घाट का, ना हम उनके तरह बन पाते कम्प्लीटली, ना ही हम अपने तरह रह जाते हैं। सो दूसरों को कॉपी मत करो। हाँ, दूसरों से इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको फॉलो करने का कोशिश करो, लेकिन दूसरे का कॉपी मत करो। आप अपना जो यूनिक एक पर्सनैलिटी है उसको हमेशा बरकरार रखो, उसको कभी नहीं खोना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सेंस ऑफ ह्यूमर। सो जिन लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड या तो करियर में बोले या फिर कोई भी आप मतलब दोस्त के सर्कल में अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा होगा, तो वैसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोगों की तरफ। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आप डेवलप कर सकते हो अपने आप में। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकोगे। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जो कि है कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस जो है वो हर इंसान में होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे भी हो, जो भी मतलब आपकी क्वालिटीज़ है, जो भी आपके चॉइसेस है, जैसे आपके प्रेफरेंसेस है, आप जैसे भी दिखते हो इट डजंट मैटर, बट उस सबको लेके आपकी चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता है हमेशा, ठीक है। उसको अलग से रेडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप खुद को लेके हमेशा पॉजिटिव सोचोगे
तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे दिखता है। सो आप जैसे भी हो, जितनी आपकी खूबियाँ हैं, जितने आपके अच्छे क्वालिटीज़ हैं, उन पर कॉन्फिडेंट रहो, और जो भी आप में कमियाँ हैं, जो भी आपके फॉल्स हैं, उनको उन पर काम करते रहो, और उनको धीरे धीरे फॉल्स से उनको अपनी ताकत बनाते रहो, कमज़ोरियों को, एंड बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड आज ही हमारी जो लास्ट पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस। हमको पता ही है कि इंटेलिजेंट लोगों की तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आसानी से, कि हाँ देखो इसका दिमाग कितना तेज़ है, क्या दिमाग लगाया है हर चीज़ में। हम जो हमारे आसपास के जो इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे हमारे भाई बहनों में से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर हमारे दोस्तों में जिसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, हमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, या फिर कोई भी हमारे दिन में कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग के अंदर कि क्या करे क्या नहीं करे, कौन सा सही होगा, कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म में सही होगा, तो ऐसा डिसीजन जब हम लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में बोलो या कजन्स के सर्कल में बोलो, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, हम उससे ज़रूर सलाह लेते हैं। सो इंटेलिजेंस को आप काम करके सुधार भी सकते हो, अगर आप में कम हो तो हाँ ज़रूर इसे ज़रूर सुधारने का कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching, guys.